क्या हो अगर किंग कोबरा और एनाकोंडा में फाइट हो जाए, किसकी जीत होगी? किंग कोबरा को सांपों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो एक बार में इतना जहर उगल देता है कि अडल्ट एलिफेंट भी मर जाता है, और दूसरा ये सभी सांपों का दुश्मन है। किंग कोबरा सांपों को बिल्कुल नहीं छोड़ता, जब चाहे वो बिल में हो या पेड़ पर हो, और यहाँ तक कि जो सबसे जहरीले सांप होते हैं उन्हें मारने से पहले ही जिंदा निकल जाता है। ऐसा ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि किंग कोबरा पर किसी भी सांप का जहर का असर नहीं होता। दूसरी तरफ है एनाकोंडा, जिसमें ग्रीन एनाकोंडा तो दुनिया का सबसे भारी सांप है, और रिकॉर्ड में मैक्सिमम वेट इसका 227 किलो तक है। एनाकोंडा की कुंडली इतनी पावरफुल होती है कि अपने शिकारी की हड्डियों तक को तोड़ देता है, लेकिन किंग कोबरा सभी सांपों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसलिए इसे लगेगा कि मैं इतने बड़े एनाकोंडा को तो निगल नहीं सकता। ऐसे में किंग कोबरा खुद ही पीछे हट जाएगा, लेकिन अगर आपके फोर्स करने पर इन दोनों में फाइट हो गई तो दोनों की ही मौत होगी, क्योंकि एनाकोंडा किंग कोबरा को अपनी कुंडली से तोड़ मरोड़ कर मार डालेगा, और मरने से पहले कोबरा एनाकोंडा को बाइट कर लेगा और कोबरा जहर की वजह से मर जाएगा।